बृहस्पतिवार की रात करीब 7:45 बजे पटाखों के विस्फोट से जिरियामो दहल उठा। करीब आधे घंटे तक धमाके होते रहे। पटाखा बना रहा मुख्तार मकान की दूसरी मंजिल से बाहर करीब 20 मीटर दूर जा गिरा। मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मुख्तार की बहू बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों को प्रयागराज रेफर कर दिया गया। नगर कोतवाली क्षेत्र के कटरा मेदनीगंज निवासी मुख्तार अहमद लाइसेंसी हवाईदार था। परिवार के साथ जिरियामो में 3 मंजिला मकान बनाकर रहता था। दीपावली को लेकर उसने मकान में ही बारूद और पटाखे जमा कर रखे थे। बृहस्पतिवार की रात आग लगते ही पटाखों में जोरदार विस्फोट होने के कारण वहां रखा सिलेंडर भी फट गया। दूसरी और तीसरी मंजिल के परखचे उड़ गए। इलाका थर्रा उठा। मलबा करीब 200 मीटर की दूरी तक बिखर गया। मकान का आरसीसी पिलर भी तिरछा हो गया। जिरियामो में हुई पटाखों के विस्फोट की घटना इतनी भयंकर थी कि घर 2 मंजिले पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी। दीवारें धराशायी हो गयी और पिलर क्षतिग्रस्त हो गए। धमाके के वक्त घर में 6 वर्षीय शहनवाज और 3 वर्षीय सफान मौजूद थे, जिनका कोई पता नहीं चल सका। पुलिस टॉर्च की रोशनी में मकान की दूसरी मंजिल के मलबे में उन्हें ढूंढती रही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।